नाक नहीं है, कान नहीं है, झुमके कहाँ लटकाऊंगी? अब बाहर आओगी? लड़ना है? दीपिका पादुकोण की छपाक और अजय देवगन की तानाजी दोनों ही फिल्में आज रिलीज हो गई हैं। क्योंकि दीपिका JNU गई थी तो उनके फिल्म को सोशल मीडिया पे बायकॉट किया जा रहा है और ट्विटर पे ये काफी ट्रेंडिंग है। तो क्या सच में लोग इसे बायकॉट करेंगे या आज हम लोगों से ही जानेंगे? उन्होंने मेरी सूरत बदली है, मेरा मन नहीं। थपाक को बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी मूवी देखने आई हैं, तो आपको तन्हाजी और छपाक में से देखना होगा, तो कौन सा देखें? छपाक क्यों? ऐसे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो JNU में आई भी है तो वो उनके उनका वो लाइफ पार्ट है, कोई मूवी पार्ट नहीं है। और छपाक एक गर्ल के ऊपर है जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हम लोग उस चीज से उसकी मूवी को रिलेट करें। देखने तो छपाक ही आए थे और ये छपाक के ऊपर जितने भी कंट्रोवर्सीज हो रही गलत है, सबके अपने राइट्स है। ठीक है, दीपिका पादुकोण वहाँ JNU गई, उसका अपना कुछ कहना कह सकती है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरह से कंट्रोवर्सीज करना ही गलत है। जो बॉयकट किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मूवी का सबको देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है, अच्छा मैसेज मिलेगा इससे, उन्होंने अच्छी मूवी बनाई है, ये बॉयकट करने से कुछ नहीं होता है। आई थिंक छपाक विच कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एवरीवन शुड नॉट बी बॉयकट। छपाक में बायकॉट करने का मैं मतलब बनता नहीं है, उसका है कि उनकी मेहनत देखिए आप कि बनी किसके ऊपर मूवी। आप दीपिका का बायकॉट कीजिए, मूवी का बायकॉट मत कीजिए। दीपिका का बायकॉट कैसे करेंगे क्योंकि वो तो मूवीज में काम करती हैं? तो बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप उनको सोशल मीडिया पर है वो, या फिर और मूवीज है, आप इस मूवी को लेके मत कीजिए ऐसी। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। बहुत सारे र्यूमर्स सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि जो अटैकर था उसका नाम मुस्लिम था, फिर उसे हिंदू कर दिया गया, फिर रीडब करके उसका नाम फिर से मुस्लिम कर दिया गया। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फजूल की बातें हैं, लोग मतलब गुमराह कर रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो मैम, ये एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी ट्विटर यूज करता हूँ तो ये सब मैं देखता हूँ कि ये र्यूमर फैलता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली मूवी में नाम जो फैलाया जा रहा है वो नहीं है, बशीर खान नाम कुछ ऐसा है जो एक्चुअली में उसका नाम है। ये संघी लोग संघी है क्या? एक पूरा मूवी का रीशूट हिंदू नाम में कर लेंगे और कितने महीनों में, मतलब कितने दिनों में, जब से JNU 2 दिन में पूरा मूवी रीशूट करके हिंदू नाम रख देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही मुस्लिम नाम था और अभी भी मुस्लिम नाम है। जितने लोगों ने मूवी जाकर दिखा है, जिन्होंने भी देखा है, उन्होंने कंफर्म किया कि मुस्लिम नाम है। अटैक उन्हीं लड़कियों पे हुआ जो या तो पढ़ना चाहती थी या पढ़ना चाहती थी। लोग कह रहे हैं कि छपाक को बायकॉट करके आप तन्हाजी देखिए क्योंकि वो ज्यादा देशभक्त मूवी है। हाँ जी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या देखूंगा, आप मुझे बताएंगे? दोनों फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हैं, हम दोनों फिल्में देख सकते हैं, जो देखना चाहे उसको देखनी चाहिए, उसको देखने की फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट या कुछ लोग या एक धरा ये डिसाइड करेगा कि हम लोगों का हिंदुस्तानी को क्या देखना चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। पहली बात तो ये जो संघी लोग हैं जो बोल रहे हैं बॉयकॉट करने के लिए, जो एंडी नेशनल बोल रहे हैं, एक तो उनका जो फॉरवर्ड है पिक्चर की टिकट कैंसिल किया गया है, वो तो एक ही पिक्चर हर जगह मतलब फॉरवर्ड किया जा रहा है। दूसरी बात, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वो बोल रहे हैं, एक तो वहाँ का सारा वायलेंस ABVP और संघियों ने किया है, वहाँ पे आके बजरंग दल ने इतना तमाशा खड़ा किया है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो क्यों सपोर्ट नहीं देगी? इनफैक्ट मुझे तो गुस्सा उन पे आ रहा है जो अब तक मोदी सरकार के मतलब खिलाफ बात नहीं कर। मूवीज अपनी जगह है, JNU का इश्यू जो है वो अपनी जगह है। हाँ, दीपिका जरूर गई थी वहाँ पे, हो सकता है कि वो उनके सपोर्ट के लिए गई हो। पिक्चर अपनी जगह है, JNU का इश्यू अपनी जगह है। मालदीव की PIL की वजह से काफी चर्चित हुआ है ना एसिड का मुद्दा। छपाक में जो सामाजिक बुराई है ये एसिड वगैरह उसके बारे में दिखाया गया है, तो इसलिए छपाक देखना पसंद करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीपिका JNU गई थी तो इसलिए उनकी मूवी बायकॉट कर देनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी हर आदमी को है, कोई कहीं भी जा सकता है, तो उसमें कोई गलत थोड़ा ही किया है उन्होंने कि सरकार के खिलाफ कोई उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है, चलो वहाँ पे चली गई, अपने छपाक के प्रमोशन के लिए भी जा सकती है। ये लोग बायकॉट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की वो JNU में गई, आप उससे कैसे रिलेट कर सकते हो? वो वहाँ गई, वो उनकी मर्जी है ना, हम लोग भी तो कहीं जा सकते हैं, तो क्या मतलब हमें भी लोग बायकॉट कर रहे हैं? इसके कारण कि वो वहाँ पे कॉलेज में आई थी, इसके दीपिका पादुकोण में कोई रोल नहीं है। अपना लोकतंत्र है यहाँ पे, सब अपना विचार रख सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, इसलिए इसको बायकॉट करना तो
कोई बात नहीं है। जब से दीपिका पादुकोण जेएनयू में गए हैं तब से इसके बारे में काफी चर्चा में आ गया, इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को लगता नहीं कि जैसे जिस हिसाब से मूवी है, जिस हिसाब से ट्रेलर है और जिस लड़की के ऊपर दिखाया जा रहा है, प्रियंका अग्रवाल शायद नाम है उनका, तो उनकी स्टोरी को दिखाया जा रहा है, तो इस बात पे इसको बायकॉट करने की क्या जरूरत है? उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एक बात, दूसरी बात है ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो सोशल है और बिल्कुल रिलेवेंट सब्जेक्ट है। इसमें आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अगर वो गई है पादुकोण जेएनयू में गई है तो उससे इतनी क्या आफत आ गई कि आप उसको मूवी को बैन करने कर रहे हैं या ना देखिए? ये कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आई ये क्या पॉलिटिक्स है। मेरा तो रिस्पेक्ट उसके लिए काफी ज्यादा बढ़ गया और वो ज्यादा तमाशा भी नहीं की जब वो वहाँ गई, मतलब वो चुपचाप जाके आयशी घोषित जाके बात की और मतलब अपना चुपचाप प्रोटेस्ट में अपना मतलब हिस्सा ली, तो मेरा तो रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। और इसके मतलब अगर मैं पहले भी छपाक नहीं देखती, अब तो पक्का देखूंगी। एक पूरा दिन बहुत सारे सिनेमा घरों और लोगों के बीच बिताने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि बायकॉट छपाक जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो बस हवाई बातें हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे इसका कोई प्रभाव मुझे देखने को नहीं मिल रहा। लोग दोनों ही मूवीज को जाके देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। We support छपाक। I support छपाक। We support छपाक।